गुड मॉर्निंग। आज वीडियो में हम चैप्टर टू सॉल्यूशन केमिस्ट्री क्लास 12 में नए चैप्टर कोरिलेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अपन कोरिलेटिव प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूशन की जो कोरिलेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, वो मेनली दो टाइप की होती है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होती है कोरिलेटिव प्रॉपर्टी, पहले तो ऑल दिस प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। ये नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, उसको क्या बोलते हैं कोरिलेटिव प्रॉपर्टी। अब उसमें से हमारे कितनी फोर प्रॉपर्टी है, एक तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअरिंग होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है उसका बोलते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है डिक्रीज हो जाता है उसका बोलते हैं डिक्रीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट हमारा है ऑस्मोसिस। हमने देखा है ऑस्मोसिस अगले वीडियो में कि एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, हमारा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन क्या होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब देखो किसी भी किसी भी हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है डिक्रीज होता है। तीसरी रिएक्शन क्या होता है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट उसको डाल लें तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वेपर प्रेशर को डिक्रीज होता है। होता क्या है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर हमारा एटमोस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ क्या होती है बॉइल नहीं हो जाती है, बॉइल होने लग जाती है। कब होती है कोई चीज़ बॉइल, जब उस लिक्विड के अंदर का वेपर प्रेशर हमारा एटमोस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर पे क्या होता है कोई भी चीज़ बॉइल हो जाती है, सॉल्यूशन बॉइल होना बंद हो जाता है। तो हम किसी प्योर सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है हमारा डिक्रीज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अब वो ये डिक्रीज हुआ है ना, और हमको जो अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट करना है तो जो प्योर सॉल्वेंट था उसका जो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर बात करते हैं, वाटर क्या होता है कि 100 डिग्री पर बॉइल होता है, हमने उसमें 5 ग्राम सुगर डाल दी नॉन वोलेटाइल तो वो क्या होगी 110 पर एक प्लस पे वो क्या होगा बॉइल होगा। तो जितना आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसी को हमने क्या बोला है इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या फिर कोई फ्रीज होती है, फ्रीज होती है तब होगी जब उसका वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसके जो पर्सनल पार्टिकल क्या हो जाए बिल्कुल पास पास में आ जाए, तो उसके लिए हमारा क्या होगा टेम्परेचर डाउन होगा उसका हम बोलते हैं फ्रीजिंग डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और ऑफिस के लिए हमने बात कर ली किस नंबर देते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कि हमारा टी वन उसको हमने किससे रिप्लाई किया है उसको किससे नए प्रोडक्ट वाले वाले को नेक्स्ट फॉर के वाटर प्रेशर के टी वन को लेते हैं। डेल टी वन कितना लोअरिंग हुआ वेपर प्रेशर के था, तो ये तो क्या है हमारा पी नॉट वन जो है वो क्या है प्योर का है, उस प्योर में से हमारा कितना डिक्रीज हुआ तो पी नॉट वन माइनस पी वन, पी नॉट वन माइनस पी वन एक्स वन क्या आएगा, हम उसको कॉमन निकाल लेंगे क्या रहेगा पी नॉट वन कॉमन लाइन आउट कर लेंगे हम माइनस एक्स वन, अब डेल पी वन की जाएगा तो क्या हमारा इसके इक्वल रहेगा वो एक्स टू पी वन के है ना, फिर क्या होगा एक्स टू पी वन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.82
5 bar. What is the molar mass of the solid substance? आप इसे एक ग्राम का एक ग्राम और एक ग्राम पर आपको करना है।